नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों, तो तैयार हैं आप सब हमारे साथ एक स्वादिष्ट और मज़ेदार खाने के सफ़र पर चलने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, मैं आपसे हमेशा कहते रहता हूं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे अलग अलग प्रकार का खाना मिलता है। उत्तर में जाइए टेस्ट अलग, दक्षिण में जाइए टेस्ट अलग, पूरब में जाइए टेस्ट अलग, पश्चिम में जाइए टेस्ट अलग, और इन दिशाओं में कहाँ जाना, अलग अलग शहर में जाइए तो टेस्ट अलग। कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ का खाना हमेशा याद रहता है और वहाँ का खाना हमेशा खाने का मन भी करता रहता है, और उन शहरों में से हम दोनों का फेवरेट शहर है दिल्ली। दिल्ली दिल वालों की, खाने वालों की और खिलाने वालों की। खिलाने वालों की तो बात मत कीजिए, दिल्ली वाले इतने प्यार से खिलाते हैं ना दोस्तों कि मैं आपसे क्या कहें। किसी के भी घर जाइए और आप कितना भी खा लीजिए, वो फिर भी यही कहते रहेंगे, अरे एक रोटी और ले लीजिए, अरे थोड़े से चावल और ले लीजिए, अरे दाल तो आपने खाई नहीं, अब मीठा तो टच भी नहीं किया। अरे सामने वाले का पेट खा खा कर फट रहा होता है, लेकिन उनके हिसाब से आपने तो कुछ लिया ही नहीं। तो ऐसे हैं दिल्ली वाले प्यारे प्यारे लोग, और वैसा ही स्वादिष्ट उनका खाना भी। तो आज हम ऐसी ही जगह जा रहे हैं जहाँ पर हमें मिलेगा दिल्ली का स्वाद। तो आप चलिए हमारे साथ, आइए चलो दिल्ली। वैसे तो खाओ दोस्तों, दिल्ली में हर जगह का खाना बहुत स्वाद है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जिनके बारे में बताए बिना रहा नहीं जा सकता, और उनमें से एक जगह है दिल्ली 6। जी हाँ दोस्तों, पुरानी दिल्ली। दादा जी आपको याद है पुरानी दिल्ली की वो चाट, आहा, वहाँ की वो जो दही भल्ले, कमाल का खाना, चाहे वेजिटेरियन बोलिए चाहे नॉन वेजिटेरियन बोलिए, दिल्ली 6 की गली गली में बस फिंगर लिकिंग बोलते हैं ना, उंगलियां चाटने वाला खाना मिलता है, इतना मज़ेदार कि क्या बताएं। बाकी आइसक्रीम में ही बात अलग है, और वो पराठे वाली गली कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, गली की गली पराठों से भरी हुई, क्या बात है। तो ये थी दिल्ली 6 की बात है। लेकिन दिल्ली में एक खास बात यह है कि आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, किसी भी गली में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, लेकिन कोई ना कोई एक फेमस खाने की दुकान ज़रूर होती है जहाँ की कोई ना कोई चीज़ बहुत पॉपुलर होती है। जैसे दिल्ली से जुड़ा हुआ है हमारा गुड़गांव, और गुड़गांव में लता जी की पसंद के मिलते हैं वो क्या, समोसे, और एक और चीज़ है मोमोस, राम लड्डू। जी राम लड्डू, जिसके ऊपर वो मूली डाली जाती है, हरी चटनी डाली जाती है। आने लग गया पानी, तो बस अब रुका नहीं जा रहा, अब तो बस दिल्ली जाकर ही चैन मिलेगा। बने रहिए आप हमारे साथ, पहुंचने वाले हैं दिल्ली। तो दोस्तों पहुंच गए हम दिल्ली, यानी कि दिल्ली हाईवे। ये रेस्टोरेंट अपने वेजिटेरियन कुजीन के लिए बहुत ही पॉपुलर है, और कहते हैं कि दिल्ली जैसा स्वाद ही हमें मिल जाएगा। अब दिल्ली तक तो हम पहुंच नहीं पाए आज, इसलिए दिल्ली हाईवे तक ही पहुंच गए। तो चलिए अंदर और चखते हैं दिल्ली का स्वाद, आइए हमारे साथ। खाओ दोस्तों, हम पहुंच गए हैं दिल्ली हाईवे के ऊपर, लेकिन फिक्र मत कीजिए, हाईवे पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का नाम है दिल्ली हाईवे। रेस्टोरेंट नहीं है बहुत, लेकिन काफ़ी अच्छी सी जगह है, छोटी सी जगह है, और काफ़ी लोग क्योंकि लंच टाइम है बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, तो हम भी ज़रा बैठेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या मिलता है, और आपके साथ शेयर करेंगे सब कुछ। तो दोस्तों ये है इनका थाली का मेन्यू कार्ड, हाँ थाली में लता जी देंगे लोग वेलकम ड्रिंक है, और तीन टाइप के स्टार्टर्स हैं, ओह नहीं चाट है तीन टाइप की, और चार टाइप के स्टार्टर हैं। अला कार्ट मेन्यू भी है, यानी कि अगर आपको थाली नहीं खानी, अगर आपको इतनी भूख नहीं लगी, आप एक या दो सब्जी या दाल मंगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। तो अलग अलग टाइप के वेलकम ड्रिंक्स हैं, बेवरेजेस हैं, स्टार्टर्स हैं, पराठे वाली गली जैसे मैंने आपको कहा, तो पराठे वाली गली, चांदनी चौक की चाट, पनीर के बहुत सारे आइटम, मशरूम्स और डीप फ्राइड आइटम्स भी हैं जो कि हमें बहुत पसंद है। तंदूर मेरा फेवरेट। चलिए हमने डिसाइड कर लिया है। तो दोस्तों जैसे दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा होता है ना,
वैसे ही यहाँ का वेलकम ड्रिंक भी बहुत बड़ा है, ऐसा ना वेलकम करें कि बाद में खाना खाने लायक ही ना रहे, लेकिन इतने प्यार से दिया तो टेस्ट तो करना बनता है। यह है फ्रूट पंच। हाँ, ठंडा ठंडा वनीला आइसक्रीम पड़ी हुई है, स्ट्रॉबेरी क्रश है और फ्रूट जूसेस हैं इसके अंदर, है बहुत डिलीशियस। फ्रूट पंच इज रियली पंचिंग। सर आपका नाम? भरत सिंह। भरत सिंह, अच्छा हमने डिसाइड कर लिया है हम आपकी थाली टेस्ट करेंगे। तो हाँ, तो पहले आप दो थाली ले आइए और जो भी आता है उस थाली में फटाफट, भूख बहुत लग गई है। थैंक यू। मिर्ची आम का अचार। क्या किसका? मिर्ची आम का अचार देख के मेरे मुंह पानी आ रहा है। मिर्ची आम, ओहो ले लो, आने शुरू। दही पूरी चाट, ये पहला आइटम है। ये क्या? आलू टिक्की चाट, दही पूरी चाट। मैं तो व्यूअर्स के लिए रील भी बना रही हूँ, सब दिखाऊंगी। वाह, आलू चाट और हाँ बाप रे, ये क्या? अच्छा आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की चना। ओके ओके ओके, थोड़ा ये है जिसका मुझे था इंतजार। अरे वाह, पहले क्या खाया? पानी पूरी शॉट्स। ये मेरे ख्याल से मीठी चटनी होगी और ये वो गोलगप्पे वाला पानी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ये तो शुरू कर चुकी हैं, इनसे रुका नहीं जाता खाना देखकर। ये है दही पूरी चाट, ये खा के देखते हैं। What's in my thali today? Lots of things, है ना? तो very good। ये आलू टिक्की चाट है ना, छोले डले हुए पूरे एकदम दिल्ली स्टाइल, बीच में आलू की टिक्की, प्याज डाला हुआ, चटनियाँ पड़ी हुई। Nice. Authentic. Very, very well, good. Now, I will taste this. Motiana seekh kebab. Very tasty. Tandoori hai, bilkul bhi kuch oil wagaira feel nahi ho raha. Acha. Quite healthy. Healthy? हाँ जी खाओ दोस्तों, अब बारी आई है इस कटलेट की, पोहा कटलेट साथ। मैंने तो ऑलरेडी खा लिया है। वेरी गुड, नाइस, अलग है, चटनी बहुत अच्छी है। अब ये है हरा भरा कबाब। हाँ ये खाइए आप, मैं ये खाती हूँ। नाइस, इवन ये कबाब इज वेरी क्रंची, इसमें वेजिटेबल्स का क्रंच आ रहा है। चटनी के साथ मजेदार। हाँ ये चारों मुझे कब से देख रहे हैं। मुझे भी। तुम भी खाने वाले हो इसमें से? अच्छा, पानी पूरी और मैं ना खाऊं ऐसा हो सकता है कभी? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। ये लीजिए पानी पूरी शॉट्स। वाओ, पहले आप, पहले आप। सो हाउ डू वी, हां ये उठाई। ओके, तो एक्सचेंज ऑफर करेंगे। देखो इसमें थोड़ा डाला है मीठी चटनी, इसको रखेंगे इधर, फिर डालेंगे इसके ऊपर पानी। यस, और ये जाएगा। गोल गप्पे कहिए, फुचका कहिए, पानी पूरी कहिए, इससे बड़ा स्वादिष्ट चाट आइटम क्या हो सकता है। पानी इज सो डिलीशियस, डिफरेंट है ना। यस, मुंबई के फ्लेवर नहीं है ये। हाँ, अलग, बिल्कुल दिल्ली वाला है। आलू टिक्की चाट का मजा लिया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत नॉस्टैल्जिक लग रही है, क्योंकि दिवाली में मम्मी हमारी घर में ऐसी चाट, यही जो छोले की चाट है ना, ये बनाया करती थी। तो दोस्तों ये है हमारी थाली दिल्ली वाली। ले आओ जी, सबसे पहले ये आम और हरी मिर्च का अचार। बस 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 बस, जिसका मुझे कब से इंतजार था। और ये लच्छा पराठा याद रख ले। यस, थैंक यू। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम दाल मक्खनी से। ऊपर व्हाइट व्हाइट क्रीम पड़ी हुई है। मैं शुरू कर रही हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्जी से। बताइए कैसे दाल
परफेक्ट। जैसी दाल मखनी होनी चाहिए वैसी है, थिक क्रीमी स्वादिष्ट। शिमला मिर्च आलू बड़े टेस्टी हैं, बिल्कुल लग रहा है मम्मी ने घर पे बनाया। क्या बात कर रहे हो जा? वो स्वाद बिल्कुल सिंपल एंड नाइस। यस, ज़्यादा मसाले नहीं है। और एक और खास बात दिख रही है, जबकि नॉर्थ इंडियन फूड है, तेल की मात्रा बिल्कुल सही है, किसी भी सब्जी में ऊपर तेल नज़र नहीं आ रहा। लच्छा पराठा अगेन आटे का बना हुआ, एकदम सॉफ्ट लचीला। और ये पनीर, हम दोनों सेम चीज खा रहे हैं अभी। पनीर तुम भी पनीर खा रही? आज खा रही हूँ, मन कर गया देख के। क्या टेस्ट वैसा मिलता जुलता नहीं है जो हम घर पे रेसिपी बनाते हैं? ये पनीर बहुत क्लोज है एक्चुअली पंजाबी पनीर के, कोल्हापुरी पनीर नहीं है, पंजाबी स्टाइल का। यस बिल्कुल पंजाबी है, शाही पनीर या पनीर मक्खनी बोल सकते हैं इसको। उसी टाइप का लग रहा है मुझे तो। तो दोस्तों ये थी चार सब्जियां, पनीर, शिमला मिर्च आलू और सॉरी दो सब्जियां, दो दालें, एक दाल और एक छोले। छोले तो खाए नहीं, छोले खा के देखते हैं। छोले वही हैं जो शुरू शुरू में वो आलू पैटीज के साथ आए थे, सेम टेस्ट, बस दिल्ली का टेस्ट है। काले काले जो मसाला डालते हैं ना छोलों में, ब्लैक छोले जो है वो पड़ा हुआ है। मजेदार, काम चल रहा है साइड बाय साइड। फ्रेंड्स आप लोग को भी तो रील देखनी होती है ना मेरी फिर। हाँ अब बाकी का खाना खाएंगे, लेकिन ये पालक खिचड़ी वाह गुड। वैसे नॉर्मल जो पालक की खिचड़ी मिलती है जगह जगह पर, स्पेशली साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में, उनसे काफ़ी अलग है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल घर का पंजाबी खाना होता है ना, वैसा लग रहा है बोल सकते हैं। हाँ तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा बताओ? एक्चुअली अभी मैंने दाल खिचड़ी खाई नहीं है वैसे, लेकिन सबसे अच्छा लगे तो नहीं। मेरी फेवरेट है दाल मखनी, सो ऑब्वियसली मेरे को दाल मखनी बहुत पसंद आई है, साथ में जो मिर्ची है ना अचार। वाह दोस्तों खाना बहुत अच्छा है और इतनी दूर आए। हाँ होमली फूड, नॉर्थ इंडियन पंजाबी फूड, दिल्ली स्टाइल, मज़ा आ गया। तो खाओ दोस्तों, मैंने तो अपनी थाली ख़त्म कर दी है, लता जी अभी तक लगी हुई है खाने में, लेकिन ये जो मीठे चीज़ें डेजर्ट्स आए थे ना थाली के अंदर, उसके देख के हमें रुका नहीं गया, इसलिए हमने लता जी को कहा एक्सक्यूज़ मी आप थाली संपन्न कीजिए, मैं ज़रा मीठे का कार्यक्रम शुरू करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले खाएंगे गाजर का हलवा। आजकल तो वैसे गाजर का सीज़न नहीं है लगता है, ये लोकल गाजर से बनाया है, इसलिए ये ऑरेंजिश कलर का है, वरना विंटर में बनता तो एकदम लाल लाल होता है। अब आ जाएगा विंटर आ रहा ना, इनके सीजनल फूड्स में होगा शायद। अभी खोया बड़ा हुआ है मीठा, लेकिन मीठा परफेक्ट है, मेरे को ज़्यादा मीठा ज़्यादा पसंद नहीं आता, मीठा ठीक है। हो सकता है गाजरें भी इतनी मीठी नहीं आ रही आजकल, इस वजह से भी हो सकता है। आजकल कई लोग प्रेफर भी करते हैं थोड़ा कम मीठे वाला, वो भी है। अच्छा है। और जलेबी जलेबी इज वेरी गुड। लस्सी भी दी है दोस्तों, लेकिन ये लस्सी पिए के लिए हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमको गाड़ी चला के बहुत दूर जाना है, लस्सी पी के नींद आ जाए और काम गाड़ी में ही ना सो जाए, लेकिन चखेंगे ज़रूर। हाँ मैं शेयर करूँगी बाद में, कोई बात नहीं। हाँ बच्चे की तब शेयर करोगी ना, इतनी स्वाद है, स्वाद है, दही फ्रेश है, अगेन मीठा इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। तो मीठा बिल्कुल अच्छा मीठा था, मज़ा आ गया। ये परफेक्ट है मेरे लिए, ये जो होती है लस्सी ऐसी पसंद है मुझे। कैसी? ऐसी। तो खाओ दोस्तों, दिल्ली हाईवे का खाना हमने खाया, बहुत मज़ा आया, लेकिन हम इस रेस्टोरेंट के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते थे कि ये रेस्टोरेंट कब खुला, मतलब कहाँ से इनको ये आइडिया आया। तो हमारे साथ रेस्टोरेंट की मैनेजर है मानसी। हेलो मानसी। हेलो सर। सो मानसी हमें बताएंगी, मानसी प्लीज़ टेल मी कि ये जो रेस्टोरेंट की दिल्ली हाईवे की
पहली ब्रांच कहाँ पे खुली थी? पहली ब्रांच चेन्नई में खुली थी. चेन्नई में. एंड देन स्लोली वी हैव डेवलप्ड इन बॉम्बे एंड वी हैव ब्रांचेस इन बैंगलोर एज वेल. बैंगलोर. या बैंगलोर, चेन्नई एंड मुंबई. ओके. हाँ तो मानसी, दिल्ली में कोई आउटलेट नहीं है आपका? नहीं, दिल्ली में वी डोंट हैव. दिल्ली हाईवे नहीं है, लेकिन परंपरा स्वीट्स करकर है. अच्छा. जो स्वीट्स ब्रांड है हमारी. ओके. और ये सारी जो आपके ब्रांचेस हैं, सारे आउटलेट्स हैं, सब प्योर वेजिटेरियन है? या प्योर वेजिटेरियन. ओके. तो अभी इनकी मुंबई में दो ब्रांचें हैं, फोर्ट में है एक. फोर्ट में एंड लोअर परेल. लोअर परेल में. तो दोस्तों, अगर आप फोर्ट में हैं तो आप फोर्ट में जाके दिल्ली हाईवे का खाना एंजॉय कर सकते हैं. और लता जी सोच रही हैं कि ये सारी आउटलेट्स हमारे घर से दूर क्यों हैं. क्यों? हाँ बिल्कुल. क्योंकि अगर ये आउटलेट घर के पास होता ना, तो ये रोज़ वहाँ पहुँची होती. तो थैंक यू मानसी, थैंक यू वेरी मच. तो खाओ दोस्तों, ये था हमारा व्लॉग दिल्ली हाईवे रेस्टोरेंट का. और ये रेस्टोरेंट हमें सीधा दिल्ली हाईवे पर ले गया और दिल्ली पहुंचा दिया इसने 1400 किलोमीटर दूर. यहाँ का खाना था कमाल का, यहाँ का स्टाफ भी कमाल का. यहाँ की थाली के मैं आपको रेट बता दूँ तो मंडे टू फ्राइडे लंच के रेट्स हैं 499 अनलिमिटेड, डिनर है 650 अनलिमिटेड, एंड सैटरडे संडे लंच एंड डिनर बोथ 650 अनलिमिटेड. और इसका जो एड्रेस है, इसका गूगल लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे देखिए और आइए. आज तो हम लोअर परेल में हैं, वैसे इनकी एक ब्रांच फोर्ट में भी है. दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे. बस इसी तरह हम अपने व्लॉग्स के साथ आपके पास आते रहेंगे. अगले व्लॉग तक आप हमारा इंतजार कीजिए. तब तक आप सब खाइए, पीजिए, ऐश कीजिए. धन्यवाद.